हाँ, तो हमें सबसे पहले एक आउटडोर यूनिट के कम्युनिकेशन को कैसे चेक करना है ये देखना है। हमारा एक इन्वर्टर एसी है, इसमें कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हमारे पास तीन पॉइंट हैं। पहला हमारा एक न्यूट्रल है, ये लाइन है, सिग्नल है। तो हमें कम्युनिकेशन हमेशा न्यूट्रल और सिग्नल के बीच चेक करना है। इसके लिए हमें डीसी वोल्टेज सेलेक्ट करना है और सिग्नल और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक करना है। आप यहाँ डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स आपका कम्युनिकेशन सही है, इंडोर और आउटडोर दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन सही है। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपकी कम्युनिकेशन इंडोर की तरफ से दिक्कत होगी, लाइक जैसे मैंने अभी इंडोर का कनेक्शन निकाल दिया, और तब अगर आप कम्युनिकेशन आप चेक करोगे तो फिर आप देख पाओगे कि वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। अगर डिस्प्ले पर जीरो मिल रहा है कनेक्शन जुड़ा होने के बाद भी, तो इसका मतलब आपकी इंडोर की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसका उल्टा, अगर आप इंडोर वाले वायर पे आप देखोगे जब इंडोर की तरफ से कनेक्शन आ रहा हो और आउटडोर से सप्लाई ना आ रही हो, उस केसेस में जो वैल्यू मिलेगी वो फिक्स मिलेगी। आप देख रहे हो 48 है, मतलब 48 है। तो इससे आप ये चेक कर सकते हो कि कम्युनिकेशन अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ से है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हेल्दी कनेक्शन होगा उस केसेस में आपको इंडोर और आउटडोर में दोनों तरफ सप्लाई फ्लक्चुएट करते हुए मिलेगी। अगर सप्लाई जीरो आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे इंडोर की तरफ से फॉल्ट होगा। अगर सप्लाई फिक्स वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आउटडोर की तरफ से कम्युनिकेशन में गैप है।